एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन साइंस, चैप्टर 12, साउंड। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड साउंड। साउंड रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। साउंड का मतलब है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हमारी ईयर्स में सुनने के लिए। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, किस तरीके से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और ये जो वाइब्रेशन होती है एक टू और फ्रो मोशन होता है, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे आपको, द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो साउंड है ह्यूमन वॉइस, जैसे जो हमारे वॉइस जो है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो नेक है, हमारे नेक में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और जब ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तब हमारी वॉइस आती है, यानी कि प्रोड्यूस होती है। एक एग्जाम्पल आपको और दिया गया है, अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। आप देखोगे कि आपने एक रबर बैंड लिया, आपने उसे स्ट्रेच करा, ठीक है, और उसके बाद उसे छोड़ दिया, तो वो भी क्या करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके, नाउ एक एक्टिविटी दी गई है, स्ट्राइक द प्रॉन्ग्स ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑन अ रबर पैड एंड ड्रिंक इट नियर द ईयर। आपने क्या करना है, जो प्रॉन्ग्स होते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के, ठीक है, उन्हें एक रबर के पैड में क्या करना है, स्ट्राइक करना है, और उसको अपने कान के पास लाना है। आप देखोगे, वी कैन हियर अ साउंड, हमें एक आवाज़ सुनाई देगी, इफ अ टेबल इफ अ सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल इज टच्ड विद अ वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग। आपने देखा होगा, अगर हम एक जो टेनिस बॉल जो होती है, ठीक है, उसे टच कराते हैं किसी वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग से, द बॉल इज पुश्ड अवे रिपीटेडली, तो जो बॉल है वो क्या होगी, रिपीटेडली मूव करती रहेगी। दिस शोड दैट द प्रॉन्ग इज वाइब्रेटिंग एंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस आउट। ये बताएगा कि जो प्रॉन्ग है वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है। ओके, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम टू अ लिसनर। जो साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, वो एक मीडियम के थ्रू लिसनर तक पहुंचती है। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और वो जो मीडियम है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, द पार्टिकल्स अराउंड द मीडियम वाइब्रेट, तो जो पार्टिकल्स मीडियम के अराउंड जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं। द पार्टिकल्स इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। और वो पार्टिकल जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में होते हैं, सबसे पहले वही डिस्प्लेस होते हैं अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन से। इट देन एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन एडजेसेंट पार्टिकल, और उसके बाद वो फोर्स लगाते हैं दूसरे पार्टिकल पे। ओके, एंड द एडजेसेंट पार्टिकल इज स्ट्रेट फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। और जो एडजेसेंट पार्टिकल थे, जो रेस्ट की पोजिशन था, वो भी अब क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल, द फर्स्ट पार्टिकल्स कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। और एडजेसेंट पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के बाद जो फर्स्ट पार्टिकल है वो अपनी पुरानी जगह पे आ जाएगा। दिस प्रोसेस रिपीट्स इन मीडियम टिल द साउंड रीचेज अवर ईयर। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक वो आवाज़ जो है वो हमारे कानों तक ना पहुँच जाए। सिंपल सी बात यह है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, जहाँ पे मतलब हम सबसे पहले स्ट्राइक कर रहे हैं, जहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, सबसे पहले वो पार्टिकल डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से। उसके बाद वो अपने बगल वाले पार्टिकल को क्या करेगा, उसको भी डिस्प्लेस करेगा। उसको डिस्प्लेस करने के बाद वो अपनी जगह पे आ जाएगा। और ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, मतलब जो पहला पार्टिकल है वो एडजेसेंट पार्टिकल पे जाए, ये प्रोसेस जो है उनका कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक वो जो साउंड है वो हमारी कानों तक नहीं पहुँच पाती। ओके, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाई वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम बट द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ। जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी में, वो ट्रैवल करती है मीडियम में, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो फॉरवर्ड मूव नहीं होते हैं। ओके, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस
विच मूव्स थ्रू अ मीडियम बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम, और वेव वो डिस्टर्बेंस है जिसके थ्रू क्या है जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और मूव करते हैं। सो साउंड इज कंसिडर्ड एज अ वेव, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि साउंड क्या है, एक वेव है। सिंस साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो साउंड वेव्स है किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, जब पार्टिकल्स क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं मीडियम पे। साउंड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, और इसीलिए साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, कि जो साउंड का जो प्रोपोगेशन है वो एयर में कैसे होता है। एयर इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स, एयर सबसे कॉमन मीडियम है जिसमें साउंड क्या करती है, ट्रैवल करती है। व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे मूव करता है, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर, वो क्या करता है एयर को पुश करता है और कंप्रेस करता है। इन फ्रंट ऑफ इट फॉर्मिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, और अपने आगे क्या बना लेता है, एक रीजन बना लेता है हाई प्रेशर का, जिसे क्या बोलते हैं कंप्रेशन बोलते हैं। द कंप्रेशन मूव्स अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो कंप्रेशन है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से मूव हो जाता है, उससे दूर चला जाता है। व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, और जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है बैकवर्ड चला जाता है। इट फॉर्म्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, और वो फिर क्या बनाता है एक रीजन बनाता है लो प्रेशर का, जिसे हम क्या बोलते हैं रेयरफैक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं रेयरफैक्शन बोलते हैं। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो रैपिडली, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टू और फ्रो रैपिडली मूव करता रहता है, इट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन, ये ऐसे ही एक सीरीज बनाता रहता है कंप्रेशंस की और रेयरफैक्शन की एयर में, विच मेक द साउंड टू प्रोपोगेट इन द मीडियम, और इस वजह से साउंड क्या है एक मीडियम में यानी कि एयर में क्या कर पाती है प्रोपोगेट कर पाती है और आगे बढ़ पाती है। ओके, सिंपल सी बात ये है कि वो जगह जहाँ पर ये लाइन्स डेंस हैं उसे बोलते हैं कंप्रेशंस, ठीक है, और जहाँ पे दूर दूर हैं उन्हें बोलते हैं रेयरफ्रैक्शंस। जो साउंड वेव्स हैं उन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की और साउंड की, ठीक है, और पार्टिकल्स की, वो एक ही डायरेक्शन है। यहाँ पे जो साउंड है वो ट्रैवल तो कर रही है, लेकिन क्या कर रही है बैक और फोर्थ पोजिशन में ट्रैवल कर रही है, ना कि यह है कि फॉरवर्ड मूव कर रही है, मतलब ट्रैवल कर रही है लेकिन बैक और फोर्थ कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रैवल, कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव है और इसे एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। साउंड्स ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस, साउंड जो है वो सॉलिड्स में के थ्रू भी ट्रैवल करती है, लिक्विड्स के थ्रू भी ट्रैवल करती है, एंड गैसेस के थ्रू भी क्या करती है ट्रैवल करती है। साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, सस्पेंड एन इलेक्ट्रिक बेल इन द एयर टाइट बेल जार, कनेक्ट द बेल जार टू द वैक्यूम पंप। आपने क्या करना है एक जार लेना है, ठीक है, जिसमें एयर है, उसमें आपने क्या करना है बेल को लगा देना है, इलेक्ट्रिक बेल को, कनेक्ट द बेल जार टू द वैक्यूम पंप, और उसका जो वो बेल जार उसे वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देना है। इफ़ द स्विच इज प्रेस्ड वी कैन हेयर द साउंड ऑफ अ बेल, ठीक है, अभी उसके अंदर एयर है और अभी अगर हम स्विच को प्रेस करेंगे तो हमें उसकी आवाज़ क्या आएगी क्लियर आएगी, लेकिन अगर इफ़ एयर इज़ पम्प्ड आउट थ्रू द वैक्यूम पम्प, अब हमने क्या करा एयर को बाहर निकाल दिया वैक्यूम पम्प से, ठीक है, उस जार से, वी कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ बेल, तो हमें जो साउंड की जो बेल है साउंड की जो बेल की जो साउंड है वो हमें नहीं सुनाई देगी। दिस शोज दैट द साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, इससे ये पता चलता है कि जो साउंड है वो उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। सिंपल सी बात ये है कि आपने एक इलेक्ट्रिक बेल लेनी है, एक जार लेना है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है उसमें एयर होगी, जब एयर होगी तो आपने उसको कनेक्ट कर देना है स्विच से और एक वैक्यूम पंप से, ठीक है। अभी उसके अंदर एयर है तो हम अगर स्विच को ऑन करेंगे तो बेल क्या करेगी रिंग करेगी, लेकिन उसके बाद जब हम क्या करेंगे वैक्यूम पंप से सारी एयर को निकाल देंगे, ठीक है, तो उसके बाद जब हम क्या करेंगे स्विच करेंगे प्रेस करेंगे तो हमें बेल की आवाज़ नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात यह है कि जो बेल जो साउंड है वो उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। ओके,
दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.